हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आई होप ऑल आर यू वेल एट योर हाउस एंड डूइंग वेल फॉर योर फाइनल एग्जाम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन एंड डे बिफोर यस्टरडे आई विल फिनिश योर लेसन आफ्टर दैट आई राइट योर क्वेश्चन आंसर एंड आफ्टर दैट योर लिटरेचर पार्ट पर्सन इज कम्पिटेड आपका कंप्लीट हो जाएगा सो लेट स्टार्ट देखिए क्या कह रहे हैं द गवर्नर सेट बैक वापिस सीट के ऊपर बैठ जाता है एंड लेट आ सिगरेट और सिगरेट जला लेता है ए गॉड्स हे भगवान व्हाट आर ब्यूटिफुल लेड प्लान इट हैड बीन ऑल कि कितना सुंदर योजना बनाई गई थी वाट आर क्लेवर फेलो एवं वाज़ क्या कह रहा है कि इवान्स कितना चालाक इंसान था केयरलेस लिविंग डेट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड और अनजाने में उसने ये प्रश्न पेपर उसने पीछे छोड़ दिया बट देन दे देड देयर मिस्टेक सम वेयर कि जो ऐसे इंसान है कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देते हैं अलोंग दिस द टाइम इस समय के दौरान वेल आलमोस्ट ऑल ऑफ देम लगभग सभी हर कोई ऐसी गलती करते हैं

जब वो सोच रहा होता है तो उसी समय जो फोन है बहुत तेज गति से बजने लग जाता है और जो सुप्रिडेंटल जो कार्टर है वो गवर्नर को सूचित करता है कि मैकलेरी ने इवानस को गाड़ी चलाते हुए देखा है किसकी तरफ जा रहा था वो एल्सफील्ड रस्ते की तरफ जा रहा था दे हैड गोट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट और उन्होंने गाड़ी के नंबर को अच्छी तरह से ले लिए हैं एंड इमिडियटली और वो क्या कर रहे हैं भाई उसका, तुरंत उसका पीछा किया बट हैड लोस्ट ही हैंडिंगटन्स राउंड अबाउट लेकिन जब जैसे वो हैंडिंगटन्स झूले के पास गए तो उसने उन्हें वो ओजल हो गया ही मस्ट है सिटी वह अवश्य ही दोबारा से उसने शहर के अंदर प्रवेश कर लिया होगा नो नहीं सेड द गवर्नर क्यों गवर्नर जल्दी गवर्नर ने जल्दी से कहा नो ही इज ऑन ओनली हीज वे टू न्यू बरी अब वो किस रास्ते पे भाई न्यू बरी रस्ते के ऊपर है ही एक्सक्लेम्स हीज रीजन फॉर बिलीविंग सो और उसने अपना कारण बताया उसके ऊपर विश्वास करने लायक कारण बताया एंड लेफ्ट इट एट डेट और उसने छोड़ दिया इट वॉज ए पुलिस जोब नाउ अब ये किसका कार्य था भाई पुलिस वालों का काम था नोट हिज उसका नहीं ही वॉज जस्ट अनोदर गुड फॉर आ गिगल गुल्लीबल्स गवर्नर अब वो क्या बनने वाला था भाई एक हंसी का पात्र बनने वाला था डेट वॉज हाल और कुछ नहीं बाई द टाइम कार्टर्स उस समय कार्टर आई होप यू मैनेज टू गेट मैकलरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट कि मेरा मानना है कि कार्टर आपने मैकलरी को हॉस्पिटल के अंदर अच्छी तरह से छोड़ दिया होगा यस ही इज इन द रेड क्लिप्स नाउ अब वो कहाँ पर भाई रेड क्लिप्स के अंदर है रेली really? गोगी मतलब बिल्कुल हारा हुआ ही वाज था वैन वी गो टू द एग्जामिनेशन ऑफिस जैसे हम एग्जामिनेशन ऑफिस के पास पहुँचे एंड दे रंग फॉर एन एम्बुलेंस फॉर देर और उन्होंने किसके लिए कॉल किया भाई एक एम्बुलेंस गाड़ी के लिए कॉल किया द गवर्नर रंग द रेड क्लिप्स से फ्यू मिनट्स लेटर अब उन्होंने क्या किया रेड क्लिप्स हॉस्पिटल के अंदर कुछ देर के बाद कॉल की एंड आस्कड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट और उसने कहाँ पे बातचीत की भाई एक्सीडेंटल जो डिपार्टमेंट था वहाँ पे बात की मैकलरी यू से मैकलरी आप कहते हो यस ही इज ए पर्सन वह एक पादरी था आई डोंट थिंक देर इज एनी वन मेरा नहीं मानना कि यहाँ पर कोई ऐसा है यस देर इज हाँ वहीं पर है यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिकड हिम अपॉर एल्स फील्ड वे अबाउट आपकी एक एम्बुलेंस उसको एल्स फील्ड वे पर से उसको बैठा कर लेके आई थी तो कह रहा कि ओ डेट वह यस स राइट right. हमने उसी समय क्या भेजा था कि भाई एक एम्बुलेंस भेज दी थी बट वैन वी गोट देर लेकिन जैसे हम वहाँ पे पहुंचे द फेलो हेड गोन वो व्यक्ति जा चुका था नो वन नो वेर ही वॉज कोई भी नहीं जानता कि वहाँ पे कौन था जस्ट विनिस्ट ओजल हो गया था नोट साइन कोई उसकी निशानी नहीं थी बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिस्ट एंड द ट्रूट सेम्स टू हीट हील इम्पैक्ट इन द बैक ऑफ इज नेक लेकिन जो गवर्नर था वो उसको सुनने लायक नहीं था और जो उसके जो सच्चाई जो बता रही थी उसको लगभग फिजिकल इम्पैक्ट देने वाला था मतलब बिल्कुल स्तंभ कर देने वाला था और समवेयर इन द बैक ऑफ इज नैक और किसी ने ऐसा लगा कि उसके गर्दन के पीछे किसी ने चोट की हो क्वार्टर ऑफ एन आवर्स और एक आध घंटे के बाद लेटर दे फाउंड द रेवर एस मैकलरी स्क्यूट बाउंड एंड गैग्ड कुछ देर के बाद क्या पाया जो एस मैक्लेरी था वो अपने कमरे के अंदर बंधा हुआ और उसके मुंह के अंदर कमरा जो कपड़ा ठूसे हुए मिला ही हैड बिन देर वो वहीं पे था ही सेड उसने कहा सिंस एट फिफ्टीन ए एम आठ बजकर पंद्रह मिनट से वो यहीं पर था वैन टू मैं हेड कार्ड जब दो व्यक्ति वहाँ पर आए और उन्होंने कहा इंक्वायरीज इन न्यू ब्रे थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग अब क्या कह रहा है कि न्यू ब्रे के अंदर जो पूरी दोपहर के समय जो इंक्वायरी चली उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला नथिंग एट ऑल कुछ भी नहीं एंड बाई टी टाइम्स एवरी वन इन दीजन न्यू वॉट अब चाय के समय के दौरान सभी को पता लग गया था कि क्या घटित हुआ था इट हैड नोट बीन इवान्स इन पैसनेटिंग मैकलैरी अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि इट हैड नॉट बिन इवांस वे इवांस नहीं था जिसने मैकलेरी का भेस किया हुआ था हु हैड वॉकड आउट जो बाहर गया था इट हैड बिन इवांस वो कौन था भाई इवांस था एम पर्सनटिंग मैकलेरी जिसने इवांस ने मैकलेरी का भेस किया हुआ था हु हैड स्टेड इन जो वहां पे ठहरा हुआ था ठीक है बेटा आज इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तो तक के लिए बाय हैव अ गुड डे